सो गाइज एंड वेलकम गाइज। तो गाइज आज तक आपने रिमूव पीजी या फिर पिक्सआर्ट से या फिर किसी अदर्स ऐप से आपने बैकग्राउंड को रिमूव किया है जिसमें जिसकी क्वालिटी काफ़ी लॉस हो जाती है। तो गाइज आज मैं आपको इस ट्रिक में बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप फुल एचडी में परफेक्टली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो अपने फ़ोटो की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम परफेक्टली रिमूव करने वाले बैकग्राउंड को विदाउट आपके हेयर, मतलब आपके हेयर भी मतलब अच्छे से मतलब बैकग्राउंड रिमूव होगी आपकी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है एडोब बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करते हो यहाँ पे फर्स्ट साइट मिलती है, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर इसको ट्रैकर के ऊपर आना है और यहाँ पर लिखा है अपलोड योर फोटो। तो यहाँ पर अपना फ़ोटो को एक अपलोड कर लेना है यहाँ पर। तो काफ़ी गजब की ट्रिक है गाइस जी। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड इमेज पर क्लिक करते हो, ब्राउज पर जाते हैं और यहाँ पे अपने मन चाहे फ़ोटो आपको इंपोर्ट कर लेना जिसको जिसके बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हो, मतलब चाहते हो। तो यहाँ पे एक फ़ोटो अपना इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूविंग बैकग्राउंड रिफिलिंग द एजेस। तो यहाँ पर जो एजेस वगैरह जो हेयर वगैरह होता है यहाँ पर अच्छे से रिमूव करेगा गाइस में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मस्त वीडियो है क्योंकि गाइस ये एडोबी की वेबसाइट है तो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आप इस साइट पर अनलिमिटेड बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो गाइस। जो आपको लास्ट में रिजल्ट दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी मस्त रिजल्ट है, आपके ओरिजिनल फ़ोटो से भी ज़्यादा क्वालिटी मस्त आने वाली है बैकग्राउंड रिमूव होके। तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और डाउनलोड पर जैसे क्लिक करते तो गाइस यहाँ पर मांगते हैं साइनअप के लिए। तो साइनअप का मतलब यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी डालकर एक साइनअप कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं साइनअप के लिए। तो गाइस यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी जो है वगैरह ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने, उसके बाद बैक आना है और यहाँ पर डाउनलोड करना है। अगर नहीं होता तो गाइस सबसे फिर आपको फिर से बैक जाना है फाइनल वाला और फिर से फ़ोटो को अपलोड कर लेना है, उसके बाद आप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने फिर से अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव के लिए अपलोड कर लिया है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग चल रही है अभी यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको, फाइनली आपका फ़ोटो हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोड। और यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बैक जाना है और बैक जाके मैं अब आपको दिखाता हूँ डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड जो रिमूव है इसका साइज़ जो है 10.7 MB। तो गाइस इतना तो ओरिजिनल भी साइज नहीं था, तो कितने अच्छे से कर रहा है। तो अब मैं दूसरा वाला फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि हमारा फ़ोटो ओरिजिनल है। तो यहाँ पे बैक जाकर देख सकते हो, ये मेरा फ़ोटो ओरिजिनल वाला जिसके बैकग्राउंड रिमूव की डिटेल्स में जाते हैं और यहाँ पे 4.4 MB का, और यहाँ पे साइज भी देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जो कि आपको हाई क्वालिटी में प्रोवाइड कर रही है PNG बनाकर बैकग्राउंड रिमूव कर। तो गाइज आपने अभी तक पिक्सआर्ट या किसी भी अदर ऐप्स में आपने रिमूव किया होगा बैकग्राउंड को, बट इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। और मैं इसको एजेस वगैरह में आपको दिखाता हूँ पिक्सआर्ट ऐप में जाकर कि कितनी अच्छी तरीके से ये बैकग्राउंड रिमूव हुई है इस साइट से। तो काफ़ी अच्छी साइट है गाइस, अनलिमिटेड यहाँ पे आप अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं फ़ोटो की। और बाकी जो साइट्स रहती है रिमूव PNG जो होती है उसमें काफ़ी हमारी जो बैकग्राउंड होती है वो लॉस हो जाती है, उसकी क्वालिटी जो होती है मतलब PNG की। तो यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर जूम करके देखते हैं हेयर वगैरह अच्छे से सेट है गाइस। जैसे कि कंप्यूटर में मतलब PC वगैरह में यहाँ पर एडिट करते हैं फ़ोटोशॉप में, तो मुझे तो काफ़ी मस्त लगी यार। मैंने काफ़ी सारे फ़ोटो की बैकग्राउंड रिमूव की है इसी साइट से, आप भी कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नहीं या तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।